रिक्वायर अ स्पेसिफिक सेट. तो अगर मेरे को एनपी से मेजर करना है सेंटीमीटर से वाटर में, मेरे को क्या लगेगा, हार्ड सेट लगेगा. तो हम लोग क्या बोलते हैं एनपी करने के लिए, मैनोमीटर यूज करते हैं. एक मैनोमीटर एक ग्लास का मैनोमीटर होता है. वो ग्लास का मैनोमीटर से लगा के हम लोग देखते हैं प्रेशर कितने हैं. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ आ रहा है? तो इसलिए यू कैन नॉट इंटरचेंज. समझ में आ रहा है? आईवी सेट में क्या हो जाएगा, इट विल टेक द प्रेशर इनसाइड. तो इसकी वजह से प्रेशर बराबर दिखेगा नहीं क्योंकि वो सॉफ्ट है. समझ में आ रहा है? ये हो गया. अब ये प्रेशर होता कैसे, प्रेशर आता क्यों है? व्हाई डज द बॉडी हैव अ प्रेशर? ब्लड प्रेशर आता क्यों है? आता क्यों ब्लड प्रेशर? क्योंकि उसमें तीन मेजर्स होते हैं. ओके, ये तीन मेजर्स होते हैं. इट इज सम ऑफ हीमोडायनेमिक, काइनेटिक एंड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर. तीन प्रेशर होते हैं, बस आपको ज्यादा सोचना नहीं है. तीन प्रेशर होते हैं, काइनेटिक और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर. एक चीज याद रखना है, ब्लड प्रेशर अगर ठीक रहे इसका मतलब ये नहीं है कि टिश्यू का परफ्यूजन ठीक है. ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. ब्लड प्रेशर इज वन पार्ट ऑफ द स्टोरी बट इट इज नॉट इक्वल टू टिश्यू परफ्यूजन. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? जैसे कि अगर पेशेंट को समझ लो स्ट्रोक आ गया, वहां ब्लड सप्लाई की कमी हो गई, कमी हो गई है, लेकिन ब्लड प्रेशर अलग है हमारा. समझ आ रहा है ना? तो इट इज नॉट इक्वल टू पेरिफेरल टिश्यू परफ्यूजन. पेरिफेरल मतलब पेरिफेरल, यहाँ का पेरिफेरल. ऐसा हो सकता है कि भाई आपने देखा है ना, नॉरएड्रेनाल हमने चालू किया, नॉरएड्रेनाल चालू कर दिया और नॉरएड्रेनाल की वजह से बीपी 120 है लेकिन एंड पूरा ब्लू हो जाता है, देखा है ना? तो हम लोग ऐसा कन्विंसिंगली बोल नहीं सकते कि अगर बीपी नॉर्मल है तो परफ्यूजन नॉर्मल है. समझ में आ रहा है? बीपी नॉर्मल तो सब नॉर्मल, ऐसा बोल नहीं सकते हम लोग. इसलिए हमको इवेल्युएट करना पड़ता है. आपने काफी बार देखा है कार्डियोजेनिक शॉक का पेशेंट होता है. अभी कार्डियोजेनिक शॉक का पेशेंट में क्या होता है, ब्लड प्रेशर लो रहता है, हम कैसे दवा देके उसको ऊपर लाते हैं, 100 में लाते हैं, समझो 100 प्रेशर आ गया, लेकिन पेरिफेरल कोल्ड हो जाते हैं. मतलब पेरिफेरल टेम्परेचर, पेरिफेरल परफ्यूजन कम रहता है, सेंट्रल ठीक रहता है. तो खाली ब्लड प्रेशर देख के हमको पूरा बॉडी समझ में नहीं आता. समझ में आ रहा है? अंदाज तो आता है, अंदाज तो आता है. तो नाउ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर तीन चीज की वजह से होता है. जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 दिखता है, दैट इज फॉर बिकॉज ऑफ थ्री रीजंस. One is the stroke volume. Stroke volume, what is stroke volume? As nurses, what do you understand the stroke volume? क्या होता है stroke volume? So stroke volume is the amount of blood ejected per beat of the heart. समझ में आ रहा है? हाँ, SV जिसको हम लोग cardiac monitor पे हम देखेंगे, तो उसमें SV दिखता है. That is meaning of stroke volume. Normal stroke volume हमारी body में 60 to 70 होता है, normally. समझ में आ रहा है? स्ट्रोक वॉल्यूम. तो इसका मतलब यह है कि अगर हार्ट वीक अगर रहा, अगर हार्ट में पानी नहीं है तो स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा, हार्ट में ब्लड नहीं है तो स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा. समझ में आ रहा है? स्ट्रोक वॉल्यूम इज द वॉल्यूम इजेक्टेड एट ईच बीट ऑफ द हार्ट. तो अगर वॉल्यूम कम रहा तो कम वॉल्यूम जाएगा, अगर वॉल्यूम कम जाएगा तो बीपी कम हो जाएगा. समझ में आ रहा है? सो इट टू द हार्ट डिपेंड्स ऑन स्ट्रोक वॉल्यूम. ठीक है, तो ब्लड प्रेशर इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, कितना स्पीड में डाल रहे हैं. यही जो जा रहा है, पहली बात कितना क्वांटिटी है और कितना स्पीड में जा रहा है, उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन. वेलोसिटी ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन. एंड लास्ट इज आर्टेरियल रेजिस्टेंस. जैसे कि मेरा आगे का पाइप अगर बहुत पतला है तो ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, आगे का पाइप अगर जाड़ा है ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा. समझ में आ रहा है? हाँ, जैसे कि मेरे पास एक टैप है और मेरे पास एक हाथ में पाइप है. ठीक है, मैंने टैप में ज्यादा वॉल्यूम कर दिया तो ज्यादा जाएगा, तो ब्लड प्रेशर आगे ज्यादा होएगा, प्रेशर आगे ज्यादा होगा, तो वो क्या स्ट्रोक वॉल्यूम. हाँ, ज्यादा पानी में डाल दिया मैंने, वो इधर मैंने एक हाथ लगा के उसको टाइट किया तो ज्यादा स्पीड में जाएगा, जितना स्पीड में जाएगा उतना वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा. तो वेलोसिटी ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन. एंड थर्ड थिंग, आगे अगर मैंने जगह जो है उसको कम कर दिया तो वहां पर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा. So there are three reasons why the blood pressure, how the blood pressure is determined. It is also depends on viscosity of blood. अगर समझ लो मैंने पानी की जगह पे एकदम गाढ़ा कुछ डाल दिया तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा. हाँ, अलग अलग होता है ना विस्कोसिटी. लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्री लोड. लेफ्ट वेंट्रिकुलर का मतलब क्या हो गया, कितना पानी बाहर से आ रहा है, प्री लोड. प्री लोड पानी कितना पीछे बाहर से आ रहा है. एंड डिस्टेंसिबिलिटी ऑफ द एओर्टिक एंड द वॉल, कितना डिस्टेंट होता है उतना जाएगा, जो हमने भी बात किए थे. क्लियर? तो दिस इज द डिटरमिनेशन ऑफ ऑल दिस थिंग्स. अभी इसको हम लोग आर्टेरियल ब्लड प्रेशर बोलते हैं, बराबर. आर्टेरियल ब्लड प्रेशर इसको हम नॉन इन्वेसिवली कैसे पता कर सकते हैं, अगर ये हमको पता करना है कि भाई कैसा है ब्लड प्रेशर, ठीक है कि नहीं है, हम नॉन इन्वेसिवली कैसे करते हैं. इसके काफी तरीके होते हैं. कैसे पता चलता है कि प्रेशर ठीक है, ब्लड प्रेशर का कफ
एक तो एक हो गया ब्लड प्रेशर का कफ लगाना, ये तो प्रेशर हो गया बॉडी का आर्टरी के अंदर का हो गया, तो एक हो गया ब्लड प्रेशर का कफ लगाना जिसको हम बोलते हैं नॉन इनवेसिव ब्लड प्रेशर, NIBP जिसको बोलते हैं, उसका फुल फॉर्म क्या है? नॉन इनवेसिव ब्लड प्रेशर, ठीक है, नॉन इनवेसिव ब्लड प्रेशर। उसके बाद होता है हार्ट रेट, हार्ट रेट अगर ज्यादा हुआ कम हुआ तो कुछ तो प्रॉब्लम है, तो उसके अंदाजा था कि प्रेशर में इशू है। इस तरह चीजों के मेंटल स्टेटस, मतलब पेशेंट का ड्राउजी हो रहा है, डिसोरिएंटेड हो रहा है, तो द प्रॉब्लम कुड बी ब्लड प्रेशर, द प्रॉब्लम कुड बी ऑक्सीजन। तो जब भी पेशेंट ड्राउजी डिसोरिएंट हो रहा है तो आप मत सोचो कि ड्राउजी डिसोरिएंटेड टाइट कर लो, ड्राउजी डिसोरिएंटेड ऐसा कुछ अगर हो रहा है तो पहला बीपी और ऑक्सीजन देखो, अगर बीपी और ऑक्सीजन ठीक रहता है तब हम आगे बोलेंगे कि भाई डिलीरियम है, ये है, वो है। समझ में आ रहा है? इट कुड बी जस्ट अ ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर, इट कुड बी जस्ट अ ड्रॉप इन द सप्लाई टू द ब्रेन, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। मेंटल स्टेटस। तीसरा ये होता है मॉडलिंग, मॉडलिंग देखा आपने कभी? नेक्स्ट टाइम जब भी पेशेंट एकदम बैड रहता है, उनका यहाँ पर नी जॉइंट देखो, लाल 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 हो जाएगा, लाल 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 लाल, ये लाल लाल फैलता रहेगा, लाल लाल, उसको हम बोलते हैं मॉडलिंग। मॉडलिंग का मतलब ये है कि स्किन का परफ्यूशन ही कम हो गया है, स्किन का, समझ आ रहा है? उधर ब्लड सप्लाई कम हो गया, इसको बोलते हैं मॉडलिंग। उसका एक स्कोर होता है मॉडलिंग, मतलब यहाँ पर खाली इतना ही मॉडलिंग अगर लाल लाल हो गया वर्सेस इतना हो गया वर्सेस इतना हो गया, मॉडलिंग, ठीक है, मॉडलिंग स्कोर भी बोलते हैं उसे। मॉडलिंग का मतलब ये कि ब्लड प्रेशर एकदम लो है, कंडीशन ठीक नहीं है, हाँ परफ्यूजन ठीक नहीं है, हाँ ठीक है। फिर आ गया स्किन टेम्परेचर, सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्किन टेम्परेचर मेरे हिसाब से। हाँ जब हम हाथ लगाते हैं तो हमको आधा चीज समझ में आ जाता है, जब मैं राउंड लेता हूँ, आपने देखा है, राउंड लेता हूँ मैं, आता हूँ हाथ लगाता हूँ, पैर हाथ लगाता हूँ, क्यों लगा रहा हूँ मैं हाथ? देखने के लिए भाई क्या है स्किन टेम्परेचर, क्योंकि अगर टेम्परेचर डाउन अगर हुआ है, भले ही हमारे एसी है, टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा डाउन हो गया तो हमको पता है कि आगे ब्लड सप्लाई कम हो गई है, हमको पता है आगे ब्लड सप्लाई कम हो गई है। हाँ हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्किन टेम्परेचर, स्किन टेम्परेचर, ठीक है। दूसरा होता है कैपिलरी रिफिल, कैपिलरी रिफिल देखा आपने क्या है कैपिलरी रिफिल? कैपिलरी रिफिल तो आपको दिखाता हूँ, शो मी योर फिंगर, अभी देखो ये आपका फिंगर है बराबर, हाँ अभी ये दिख रहा है आपको लाल लाल दिख रहा है यहाँ पर, अभी मैंने इसको बंद किया, इसको बंद किया, ओके तो ये सफेद हो गए, हाँ अभी देखो मेरे को छोड़ने वाला, ओके 1 2 3 सेकंड के अंदर अंदर लाल हो गया, 3 सेकंड के अंदर अंदर लाल हो गया, 3 सेकंड के अंदर अंदर वो लाल हो गया। हाँ तो मतलब कैपिलरी रिफिल टाइम बोलते हैं, कैपिलरी रिफिल टाइम, तो जिसका भी पेशेंट, जो भी पेशेंट आपका है, आपने ऐसे दबा के देख लिया, दैट इज इनफ, आपको समझ में आ जाएगा कि परफ्यूजन अच्छा नहीं है, सिंपल टेस्ट है एक्चुअली। हम लोग ये आर्टेरियल लाइन डालने के बजाय ये सब टेस्ट अगर हम देखेंगे विच इंक्लूड्स यूरिन आउटपुट, तो हमारा आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो क्या क्या है वंस मोर, अगर मेरे को ब्लड देखना है कि पेशेंट का प्रेशर सब ठीक है, तो क्या क्या है मेरे हाथ में? मेरे हाथ में नॉन इनवेसिव ब्लड प्रेशर है, मेरे पास हार्ट रेट है, पल्स है, मेंटल स्टेटस है, मॉडलिंग, स्किन टेम्परेचर, कैपिलरी रिफिल एंड यूरिन आउटपुट। What is normal urine output? What is normal urine output? Patient का weight के हिसाब से कितना होता है? What is normal urine output? What is normal urine output? 0.1 0.5 ml per kilogram होगा, ठीक है? हाँ, ये होता है normal urine output, कितना है? 0.5 हाँ, 0.5 ml per kilogram per hour, per kilogram per hour, हाँ, समझ में आ रहा है? वो normal होता है, जैसे कि अभी 60 kilo individual का normal कितना होगा? 30 ml, समझ में आ रहा है? तो यूरिन आउटपुट इज अप्रोक्सीमेटली 0.5 ml पर किलोग्राम पर आवर, क्लियर ऑन दिस? हाँ क्लियर, हाँ। सो वी हैव वेरियस टेक्निक्स टू फिगर आउट नॉन इनवेसिव हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग, हाँ, लेकिन ये सब टेक्निक में थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम है, जैसे कि अभी इसमें देखो ये पिटफॉल्स हो गया, ओके, सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी का मतलब ये होता है कि मैं कितना एक्यूरेट है, उतना एक्यूरेट नहीं है, इतना याद रखो, इतना एक्यूरेट नहीं, लेकिन हमको देखना है, हमको देखना है, समझ में आ रहा है? हाँ उतना एक्यूरेट नहीं है, लेकिन देखना जरूरी है। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, हम यूज करते हैं नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर, दिस इज व्हाट वी आर नॉर्मली यूजिंग। अभी इसमें बहुत चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो वो विड्थ ऑफ ब्लैडर ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखा आपने नॉन इन्वेसिव ब्लैडर, जैसे उसके ब्लैडर होता है, अगर ब्लैडर तो विड्थ ऑफ ब्लैडर शुड बी 2/3 ऑफ अपर आर्म, जो विड्थ ऑफ ब्लैडर होता है, विड्थ ऑफ ब्लैडर शुड बी 2/3 ऑफ अपर आर्म, ओके, समझ में आया? ब्लैडर ऐसा होता है हमारा, उसके अंदर ब्लैडर होता है, उसमें विड्थ होता है, जो विड्थ होता है उसमें भी 2/3 ऑफ द अपर आर्म, उसको ऐसा रखना पड़ता है देखने के लिए, ऐसा है ना, कफ अपना राउंड होता है, लेकिन उसको ऐसा रख के अगर ऐसा टर्न किया तो 2/3 ऑफ अपर आर्म,
that should be the width of the bladder. Length of the bladder should encircle at least 80% of the arm. उतना होना ही चाहिए. Bladder जो होता है वो पूरा 80% encircle करना चाहिए. Actually हमको problem ही नहीं है. हमारा non-invasive blood pressure एक लेके आओ sister. हमारा non-invasive blood pressure में ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ता है. क्यों? क्योंकि उसमें markings होते हैं. देखा आपने marking? क्या देखा आपने? Arterial line. नहीं आपको दिखा कौन? ठीक है, we'll come to that. Importantly, ये जो blood pressure ये NIV पे लगाना होता है, ये 2.5 centimeters above, 2.5 centimeters above लगाना होता है. समझ में आ रहा है? अभी cubital fossa ये हो गया हमारा cubital fossa, हमको 2.5 centimeters above इधर लगाना होगा. इधर नहीं लगा सकते हैं, 2.5 centimeters above लगाना पड़ता है. That is the right place for putting non-invasive blood pressure meter. अभी इसमें हम लोग मीटर में तो बहुत प्रॉब्लम ही नहीं है. जो पहला width of bladder ये देख रहे हैं वो देख रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. इसमें आपको क्या दिख रहा है? इसमें आपको यहाँ पर एक इंडेक्स दिख रहा है. इंडेक्स लिखा हुआ है, एक वाइट लाइन है, यहाँ पर एक वाइट लाइन है. उसके ऊपर आप यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर देखो दो लाइन है, यहाँ पर और यहाँ पर लाइन देख रहे आपको ये हाँ. और यहाँ पर आपका नंबर आ गया कि क्या है आपका एडल्ट हो गया 24 to 43 सेंटीमीटर आर्म साइज के बारे में बता रहे हैं. ठीक है, अभी नाउ हाउ यू यूज दिस. सो कम है अभी इसमें देखो क्या हो रहा है. ये मुझे क्या अभी ये कोमल पे बराबर है कि नहीं देखने के लिए मेरे को क्या करना है? दिखाओ इधर आपका दिखाओ. सो आई एम पुटिंग दिस हाँ ओके. अभी मैं इसको राउंड सर्कल कर रहा हूँ ना, तो ये जो लाइन दिख रहा है इंडेक्स लाइन जो है ये इसके बीच में आनी चाहिए. दिख रहा है ये दोनों लाइन के बीच में आ रहा है, जस्ट आ रहा है. देख तो ये इसके साइज का नहीं है. तू एडल्ट है लेकिन ये तेरे साइज का नहीं है. क्यों? क्योंकि देखो मैं ऐसा कर रहा हूँ तो इंडेक्स किधर जा रहा है? देखो नीचे चला गया ना. इंडेक्स एक्चुअली इसके बीच में आ जाना चाहिए था. समझ में? जैसे कि अभी मेरे को ले लिया आपने, मेरे को लगाओ लगाओ अभी आ रहा है मेरे को, तेरे बीच में आ रहा है ना. तो मेरे लिए वो परफेक्ट आ जाता है. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या बोला? हाँ, तो अगर आपने समझ लो ये बराबर लगाया नहीं तो ब्लड प्रेशर बराबर आएगा. सिंपल. हाँ, अगर आपने ये कफ उस तरह किसमें यूज कर दिया, मैंने यही ब्लड प्रेशर में आप पे यूज करूंगा, मेरे पे यूज करूंगा, मेरा एक्यूरेट रहेगा, आपका एक्यूरेट नहीं रहेगा. समझ में आ रहा है? हाँ, सो दिस इज हाउ यू जज द कफ. क्लियर? हाँ, और ये जो होता है आर्टेरियल लाइन वो मीडियल में होना चाहिए. ये जो है ना ये शुड बी मीडियल, एब्सोल्युटली मीडियल. ये दिखा ना आपको ये वाला, ये मीडियल होना चाहिए, मीडियल. ठीक है भाई साहब, राइट? So it can give either if the cuff is very big. अगर if you check this on you, you will get falsely low reading. समझ में आ रहा है? आपका ब्लड प्रेशर कम दिखेगा. हाँ, अगर वो लूज और टू हाई है, टू लूज अगर रहा तो हाई रीडिंग, टू हाई रीडिंग भी दिखा सकता है. लार्ज अगर रहेगा तो लूज रहेगा, तो स्मॉल रहेगा तो फॉल्स हाई दिखेगा. छोटा कफ रहेगा तो ज्यादा दिखेगा. अभी हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर मीटर को हम लोग नॉर्मली एट द लेवल रखते हैं, उसको ऊपर नीचे नहीं करते क्योंकि लेवल चेंज होने वाला है. ये बेसिकली वही पता, बाकी कुछ नहीं है. ओके, लेकिन इसका कॉम्प्लिकेशन है क्या यूज करने का? नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर यूज करने में कोई कॉम्प्लिकेशन है क्या सिस्टम? नहीं, कुछ कॉम्प्लिकेशन बताओ मेरे को, उससे क्या प्रॉब्लम होता है? बीपी एक्यूरेट की बात छोड़ो. हाँ, उससे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं. क्या हो सकता है? क्यों, क्या हो सकता है उससे? बोलो क्या हो सकता है? काफी प्रॉब्लम्स होते हैं, प्रॉब्लम्स तो काफी है. देखो, एक होता है पेन. तुम अगर वो लगाते रखोगे और हर दो दो तीन तीन चार चार घंटे साइकिल करते रहोगे तो पेशेंट को पेन होता है. पेशेंट बोलते हैं ना तुमको कि नहीं मेरे को इरिटेट हो जाता है पेशेंट, तो पेन वेरी इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट. पेन बहुत ज्यादा रहता है ना, पेन तो 200 के ऊपर वो प्रेशर इंफ्लेक्ट कर देता है, तो दर्द होता ही है. आपने क्या लगाया ब्लड प्रेशर का, दर्द होता है ना, तो पेन, दैट इज द फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग इज पीटे की, मतलब डॉट 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 हो जाता है, लाल 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 हो जाता है. देखा है आपने? तो पेटी की निकाइमोसिस. फिर हमने समय बहुत दिन के लगा के रखा है तो लिम्फ एडीमा, एडीमा हो जाता है लिम्फ का. मेन स्टेजेस एंड थ्रोम्बोफिब्रिलेशन जो आपने बताया, पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी हो सकता है, पेशेंट का नर्व भी खराब हो सकता है. एंड कंपार्टमेंट सिंड्रोम. कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्या होता है? कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्या होता है? कंपार्टमेंट सिंड्रोम मतलब ये है, इसमें चार पांच पीस होते हैं,
पल्सलेसनेस, नो पल्स, पैलर, पेन, पैरास्थिजिया, समझ में आ रहा है, ब्लड टेम्परेचर कम होना, तो काफी प्रॉब्लम है, मतलब उसमें क्या हो रहा है, ब्लड सप्लाई कम हो गया हार्ट को, तो समझ लो मेरा पेशेंट एकदम लो ब्लड प्रेशर है और उसको मैंने ये लगा के रख दिया और उसको कंटिन्यूस ऑन करके रखा हुआ है, हाँ, तो ही कैन गो टू समथिंग कॉल्ड कंपार्टमेंट सिंड्रोम। कंपार्टमेंट सिंड्रोम मतलब हाथ पूरा सूज जाएगा, पल्स चला जाएगा, पेन ज्यादा हो जाएगा, पैरास्थिसिया आ जाएगा, समझ आ रहा है, हाँ, दैट इज कॉल्ड कंपार्टमेंट सिंड्रोम। कंपार्टमेंट सिंड्रोम किधर भी हो सकता है, शरीर में, बॉडी में हो सकता है, इधर हो सकता है, पेट में हो सकता है, इधर हो सकता है। कंपार्टमेंट मतलब प्रेशर बढ़ना अंदर, क्लियर, प्रेशर बढ़ना और ये खराब होना, इसको कंपार्टमेंट सिंड्रोम बोलते हैं। तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, पेन, फिर पेटेकी, क्या होता है पेटेकी, लाल 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 श्वास श्वास श्वास, फिर लिम्फ एडिमा, एनेस्थेसिस, पेरिफेरल न्यूरोपैथी एंड कंपार्टमेंट सिंड्रोम, ये आप याद रखने का, एज एज अ नर्स यू मस्ट रिमेंबर कि ये सब मेरे को हो सकता है भाई, बिकॉज़ आई हैव टू कीप अ वॉच ऑन दिस। नाउ व्हाट वी हैव, व्हाट आई शोन ओवर हियर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, हां, ये हम लोग जब भी हम लोग ये जो मेथड यूज कर रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, जो एनआईवी का मेथड उसको क्या बोलते हैं, एनआईवी का मतलब हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मेथड, क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी, एनआईवी इज नोन एज ऑसिलेटरी मेथड, जब हम ऑस्कल्टेट करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑस्कल्टेटरी मेथड, जब हम ऑस्कल्टेट करते हैं ना स्टेथोस्कोप लगा के लगा के फिर मर्क्यूरी कम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्कल्टेटरी मेथड, ठीक है, तो आपने मैन्युअली या मैन्युअली ऐसे नहीं बोलना है, आपको क्या बोलना है, ऑस्कल्टेटरी, सर मैं When I tell you, you know, what is the blood pressure? Sir, I have taken it manually. It's an auscultatory method. I found that the blood pressure is so-and-so. आपको बताना है auscultatory method. Speak scientific language. ठीक है? जो NIP के होते हैं वो होते हैं oscillatory method. दोनों में difference है. क्या difference है? Auscultatory method में हम क्या सुनते हैं? हम लोग एक sound सुनते हैं ना? जो एक sound आता है, हम लोग पहले sound निकाल देते हैं और फिर sound सुनने चालू करते हैं. जो sound regular होता है, तो उसको हम first sound बोलते हैं. ये sound का नाम होता है Korotkov. क्या नाम है, कोरोटकोफ, इस साउंड का नाम है कोरोटकोफ साउंड, ठीक है, कोरोटकोफ साउंड, तो जो हम साउंड सुनते हैं सब लोग इसमें देखो ये ऑसिलेटरी मेथड, हमने 200 पे लाया ब्लड प्रेशर, उसका कम 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 किया, कम कम किया और यार हमको साउंड कितने चालू हो गया, कोरोटकोफ साउंड और फिर याद करके बंद हो गया, तो हमारा सिस्टोलिक हो गया 141, डायस्टोलिक हो गया 78, ठीक है, व्हेयरएज ऑसिलोमेट्रिक मेथड में, ऑसिलोमेट्रिक मेथड में अलग हो रहा है, देखो ऑसिलोमेट्रिक में क्या हो रहा है, ऑसिलोमेट्रिक मेथड में वो अलग ही तरीके से पता करता है वो मशीन, क्यों ऑस्कल्टेशन भी करता है उसमें, देखो एनआईपीपी में ज्यादा दिखता है, दिखता है आपको, हां 145 सेम प्रेशर 145 ऑसिलोमेट्रिक मेथड में, समझ में आ रहा है, क्लियर, हां ऑसिलोमेट्रिक तो अलग अलग होता है, इसलिए वो कभी कभी मैनुअल ब्लड प्रेशर अलग है, एनआईपीपी में अलग दिखता है, हां एनआईपीपी मतलब ऑसिलेटरी मेथड, ऑस्कल्टेटरी एंड ऑसिलेटरी मेथड, इंपॉर्टेंट आपको क्या ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि भाई जब प्रेशर 90 से कम रहता है या 150 से ऊपर रहता है तो एस्टिमेशन बराबर नहीं है, अभी याद देखो इनडायरेक्ट सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ये डायरेक्ट सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, हां जब ये बाजू में आता है 90 से कम अगर होता है तो ये बराबर नहीं रहता है, अगर एक ही लाइन में होता तो बराबर होता था, यहां पर जाके वेरिएशन हो रहा है, मतलब 90 से अगर कम रहा एंड 150 से अगर ज्यादा रहा तो हम लोग ये आर्टेरियल लाइन का जो ब्लड प्रेशर है मतलब ये एनआईबीपी और मैनुअल ब्लड प्रेशर जो भी कुछ कर रहा है हाँ वो बराबर नहीं होता है, समझ में आ रहा है, एक्यूरेट नहीं होता है, क्या समझा, 150 से अगर ज्यादा है और 90 से अगर कम है तो प्रॉपर नॉर्मल, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर ब्लड प्रेशर लेस देन 90 एंड मोर देन 150 होता है तो आप समझे हम लोग क्यों आर्टेरियल डालते हैं, हाँ तो अगर लेस देन 90 अगर हो गया तो तुरंत में आर्टेरियल प्लान करो, 150 अगर ऊपर गया तो सोचो भाई आर्टेरियल लगेगा हमको, क्योंकि दोनों टाइम में इट इज नॉट सूटेबल फॉर एनआईबीपी और ऑस्कल्टेटरी मेथड और ऑसिलेटरी मेथड, क्लियर, क्लियर ना सर, है ना, यस सर,
इनफैक्ट उसमें तो मीन आर्टरी प्रेशर इवन मोर इनएडिक्वेट होता है. द मैप कैलकुलेटेड बाय एनएबीपी इज लीस्ट एक्यूरेट. ओके, इट्स लीस्ट एक्यूरेट. और सेप्सिस हो गया, कोई भी स्टेट हो गया, तो ऑब्वियसली इट इज नॉट राइट. दैट इज वी नीड एन आर्टेरियल लाइन. ठीक है, तो आर्टेरियल लाइन का इंडिकेशंस क्या है? आर्टेरियल लाइन के इंडिकेशंस काफी इंडिकेशंस है. हां, क्या बताओ, क्या इंडिकेशंस हो सकते हैं? प्रॉपर देखो, एक्चुअली ब्लड प्रेशर चाहिए, बराबर. अगर 90 से कम रहा या 150 से ऊपर रहा, मेरे को एक्चुअल एक्यूरेट ब्लड प्रेशर चाहिए, इसलिए आई नीड द आर्टेरियल. और क्या है? और क्या है? जब पेशेंट नॉराइड पे रहता है, नॉराइड का ऐसा ड्रग है जो ठक अंदर ठक बाहर आता है, बराबर. तो नॉराइड को अगर चेंज कर रहा, मेरे को ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली पता करना है, वो वैसोकंस्ट्रिक्टेड स्टेट भी है, और मेरे को वीक टू वीक मॉनिटरिंग करता है, तो इससे मुझे क्या लगता है? उसके बिना पॉसिबल नहीं है. तीसरा चीज, कभी कभी पेशेंट को एबीजी बराबर बहुत बार लगते हैं, तो बार बार ट्रीट करने के बजाय हमारे पास ऑर्डिनरी आर्टेरियल लाइन होता है. तो दीज आर द वेरियस रीजंस, एंड ऑब्वियसली नॉन इनवेसिव अगर नहीं होता है तो 90 से कम रहा, 150 से ऊपर रहा, तो दीज आर द वेरियस रीजंस. सो फ्रीक्वेंट टाइट्रेशन ऑफ वेसो एक्टिव एजेंट्स, बार बार नॉराइड लग रहा है, नॉराइड निकल नहीं रहा है, हमको देखना है नॉराइड क्या चल रहा है, नॉराइड ऐड करना है, अनस्टेबल ब्लड प्रेशर रहेगा तो हमको ऑब्वियसली मॉनिटर करना है, क्योंकि हमको होता है लेस देन 90 मोर देन 150, जिसको अनस्टेबल बोलते हैं, वो बराबर नहीं है. इसके हमको वी नीड आर्टेरियल लाइंस, वी नीड फ्रीक्वेंट एबीजीज और लैब अगर इफ इट इज रिक्वायर्ड, एंड इवन ऑफ द नॉन इनवेसिव. अभी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट जाएगी आर्टेरियल लाइन वेवफॉर्म पे. ये होता है वेवफॉर्म. हम लोग जो व्हाट वी सी ऑन द आर्टेरियल ट्रेस ऑन द मॉनिटर, दिस इज हाउ इट लुक्स. ये है आपको यहां पर, ये है वो. ओके, सो ये क्या होता है, इसमें ये होता है, ये सो इसको बोलते हैं एनाक्रोटिक नॉच. क्या बोलते हैं? अभी देखो इसमें और एनआईबीपी में क्या डिफरेंस है. इसमें और हम लोग का एनआईबीपी में क्या, एनआईबीपी कैसे कैलकुलेट करता है ब्लड प्रेशर, अपना हम लोग कैसे मीन आर्टरी प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, व्हाट इज द फार्मूला फॉर मीन आर्टरी प्रेशर? 1/3 सिस्टोलिक प्लस 2/3 डायस्टोलिक, दिस इज द फार्मूला. व्हाट इज द फार्मूला? 1/3 सिस्टोलिक प्लस 2/3 डायस्टोलिक. समझ में आ रहा है? तो अगर मैं 120 और 80 पकड़ू, तो 1/3 सिस्टोलिक कितना हो गया? 1/3 × 120 40 प्लस 2/3 डायस्टोलिक. 80 अगर पकड़ा या 60 पकड़ो, तो 3 × 60 2/3 × 60 कितना हो गया? 2/3 × 60 करो जल्दी, 40. देखो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, सब सिंपल से बताना चाहिए तुम लोगों को. तुम लोग अभी नर्सेस हो, अगर तुमको नर्सेस को इतना भी नहीं पता है कि मीन आर्टरी प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हो, गलत हो जाता है. सो बीपी समझ लो 120/60 है, समझ लो. हाँ, हाउ डू आई कैलकुलेट माय मीन आर्टरी प्रेशर? 1/3 सिस्टोलिक प्रेशर प्लस 2/3 डायस्टोलिक प्रेशर. हाँ, समझ में आ रहा है? अभी 1/3 × 120 प्लस 2/3 × 60. ये 3 × 3 = 12 कितना हो गया? ये 40 प्लस 3 × 2 = 60 प्लस 40 कितना हो गया? 80. दिस इज बेसिक, वेरी वेरी बेसिक. तो हाउ डू यू कैलकुलेट मीन आर्टेरियल प्रेशर फ्रॉम योर ब्लड प्रेशर? 1/3 सिस्टोलिक प्लस 2/3 डायस्टोलिक. तो 1/3 सिस्टोलिक प्रेशर, इसका सिस्टोलिक प्रेशर 120 है, 2/3 डायस्टोलिक प्रेशर, 2/3 × 60. तो 1/3 × 120 2/3 × 60, तो मीन आर्टरी प्रेशर कितना आ गया? 40 + 40 = 80. समझ में आया? तो हम लोग मीन आर्टरी प्रेशर ऐसा कैलकुलेट करते हैं. तो आप जब भी मेरे पास आओगे कि भाई मैंने ऑस्कर का, आई हैव डन ऑस्कर डेटरी मेथड एंड आई फाउंड द ब्लड प्रेशर टू बी 120/80, यू हैव टू टेल मी मीन आर्टरी प्रेशर आल्सो. समझ में आ रहा है? और मीन आर्टरी प्रेशर आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग का कैसा रहता है, when we are actually looking at patients, we want to keep the mean arterial pressure above 65 most of the time. तो हम लोग systolic और diastolic नहीं सुनना चाहते, हम क्या सुनना चाहते हैं? Mean arterial pressure.
conventionally in an ICU we want to keep the mean arterial pressure more than 65. Sanjay, more than 65. किसको हम करते हैं? Mean arterial pressure. तो जब आप manual blood pressure ले रहे हो, जिसको हम auscultatory method बोलते हैं, हाँ, जब आप आ रहे हो मेरे पास बता रहे हो कि blood pressure sir मैंने देखा है 120 है, over 80 है, I don't want to hear it like that. I want to hear what is the mean arterial pressure. Sanjay, मैं आपको समझाता हूँ क्यों अभी. अभी हमारे पास समझ लो, we are talking about any patient in the ICU. Okay, any patient in the ICU. आपने देखा कि systolic pressure 120 है, diastolic pressure 140 है, power 40 है. Okay, मैं दूसरा patient देखता हूँ 120 over 80. दोनों 120 हो गया, लेकिन अभी mean arterial pressure calculate करते हैं. अच्छा calculate करो. फर्स्ट पेशेंट का मीन आर्टरियल प्रेशर क्या है? 1/3 × 120 प्लस 2/3 × 40. अब कितना है? 40 प्लस और एच पढ़ो 3 × 1 = 3 कर दो, 13 कर दो, 2 × 13 करो. हाँ 3 बन देना, 3 × 13 करो. हाँ ठीक है, 80/3 कितना हो गया? 3 × 2 हाँ 6 × 18 कर दो, 6 करो, कितना हो गया? 60 क्या हो गया? हाँ अभी उसका करो, अभी 48 कितना आ गया अभी कॉम्बिनेशन? 80. अभी देखो डिफरेंस देखो, आपको भले ही प्रेशर 120 था, भले ही प्रेशर तुम्हारा 120 था, क्या दिखा आपको डिफरेंस? इतना डिफरेंस दिख गया, 66 और 80, इतना डिफरेंस दिख गया. समझ में आ गया? समझ में आ गया. तो अगर ये पेशेंट बना मैं इसको नॉरेट चालू करूंगा, इधर इसको नॉरेट नहीं चालू करूंगा. समझ में आ रहा है? भले ही प्रेशर दोनों का 120 है. समझ में आया तुम लोगों को? भले ही प्रेशर पेशेंट का 120 है, भले ही प्रेशर पेशेंट का 120 है, मैं फिर भी नॉरेट इसमें चालू करने का चांसेस है, क्योंकि बॉर्डर लाइन पे आ गया 65. समझ में आया? हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं जब हम मीन आर्टरियल प्रेशर कैलकुलेट करना चाहते हैं. तो ऑस्कल्टेटरी मेथड I will require to do 1/3 systolic + 2/3 diastolic. Clear on this? Yes. Huh? इसका मतलब क्या है? As a nurse, what you must understand? What is the important pressure here? Diastolic pressure. समझा रहे? हाँ? Clear? Yes. हाँ? लेकिन ये अलग है arterial line जब भी होता है. जब arterial line mean arterial pressure, arterial line भी दिखाते हैं ना 120 और bracket में एक आता है. Yes. देखा है ना? Arterial line में. जब आर्टरियल लाइन पे वो कैलकुलेट करते हैं, ये आईसर रिसर्च कैलकुलेट नहीं करता है. वो क्या कैलकुलेट करता है? वो एरिया अंडर दिस कर्व निकालता है. दिख रहा है एरिया? लिखा है यहां पर एरिया अंडर दिस कर्व. समझ आ रहा है? वो एरिया कैलकुलेट करके बोलते हैं मीन आर्टेरियल प्रेशर, इसीलिए वो मोर एक्यूरेट होता है. समझ आ रहा है? कैलकुलेट एरिया अंडर द कर्व. सो नाउ यू अंडरस्टूड द डिफरेंस ऑफ हाउ ऑस्कल्टेटरी ऑसिलेटरी मेथड इज वर्सेस आर्टेरियल लाइन प्रेशर. समझ में आ रहा है? हाँ, ये कैलकुलेट कैसे करता है? ये 1/3 systolic + 2/3 diastolic नहीं कर रहा है, ये एरिया कर रहा है. जैसे कि ये हो गया तुम्हारा 150 और 80, इसका मीन आर्टेरियल प्रेशर अलग है. ये अगर आप 1/3 systolic + 2/3 diastolic करोगे तो अलग मिलेगा, लेकिन ये क्या कर रहा है? एरिया देख रहा है, एरिया प्लस बेस, इसे 97 आ रहा है इसका. समझ में आ रहा है? तो इसका मीन आर्टेरियल प्रेशर बहुत एक्यूरेट रहता है. समझ में आ? हाँ, इसलिए मार्टिन लाइन डालते हैं. इसका हमारा मीन आर्टरियल प्रेशर एकदम एक्यूरेट होता है. क्लियर? तो मैं हाँ ओके. नाउ इंपॉर्टेंट है कि हमने जब भी हमने बात किया, हमने बोला ये क्या चीज है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग?
ये पॉइंट को क्या बोलते हैं? नॉच. वेरी गुड. दिस इज कॉल्ड एज डायक्रोटिक नॉच. हां, इस पे ध्यान देना जरूरी है हम लोगों को. क्यों मालूम है? डायक्रोटिक नॉच कभी-कभी पेशेंट में दिखता नहीं है. कौन सा पेशेंट में दिखता है? फ्लैट और नॉन एग्जिस्टेंट डायक्रोटिक नॉच, मतलब पेशेंट इज डिहाइड्रेटेड. डिहाइड्रेशन आएगा. मतलब अगर समझ लो ये हमारा वेवफॉर्म ऐसा होना चाहिए था और फिर ये ऐसा ऐसा दिख रहा है. हाँ, इसको हम क्या बोलते हैं कि absence of dichrotic notch. निकल गया ना dichrotic notch, इधर नहीं है dichrotic notch. नहीं, दूसरा चीज हम क्या दिख रहे हैं कि ये swing हो रहा है, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है. दो चीज हो गया आपने, एक तो dichrotic notch नहीं है और दूसरा ऊपर नीचे जा रहा है. तो हम बोलते हैं कि बॉडी में शायद पानी की कमी है, शायद hypovolemia है. समझ आ रहा है? क्लियर? क्लियर. हाँ, ऑल्सो जब ये डायक्रोटिक नॉच निकल जाता है और ऐसा हो जाता है तो ऐसा भी हो सकता है कि सेप्सिस ज्यादा हो रहा है. ऐसा हो सकता है कि सेप्सिस ज्यादा हो रहा है. और तीसरा चीज, डायक्रोटिक नॉच वो एरिया होता है जहां पर एओर्टिक वाल्व बंद हो रहा है. एओर्टिक वाल्व होता है ना, एओर्टिक वाल्व वो बंद हो रहा है. डायक्रोटिक नॉच वो जगह है. अगर वो एओर्टिक वाल्व बराबर काम नहीं कर रहा है तो वो नॉच भी गायब हो जाएगा. तो तीन चीज आपको पता चलता है नॉच से. हाँ, क्या क्या पता चलता है बताओ? जब हम पेरिफेरी से सेंटर में जाते हैं तो इसका शेप चेंज हो जाता है. जैसे कि ये हो गया डॉर्सल स्पीडिस. हाँ, डॉर्सल स्पीडिस का लाइन बहुत शार्प दिखेगा, उसका नॉच नीचे रहेगा. नॉच नीचे आ गया, डायक्रोटिक नॉच जिसको हम बात किया वो नीचे चला गया. फिबुलस थोड़ा ऊपर चला गया और थोड़ा सा और पीक कम हो गया. रेडियल और थोड़ा कम हो गया. समझना, तो अलग अलग दिखेगा. अगर हमने डॉर्सल स्पीड में डाला, फीमोर में डाला और एमएल, थोड़ा सा अलग अलग दिखेगा हम लोगों. एज वी गो टुवर्ड्स द पेरिफेरी द लाइन बिकम्स मोर एंड मोर शार्पर एंड शार्पर. द आर्टिकल बिकम्स मोर एंड मोर शार्पर एंड शार्पर. समझ आ रहा है? समझना, तो ऐसे 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 हो सकता है कि आपने दोनों डाल के रखा हुआ, डॉर्सल स्पीड में डाल के रखा हुआ, फीमोर में डाल, फीमोर में डाल, रेडियल में डाल, अलग अलग दिखेगा. वो दिखने वाला है अलग, क्योंकि वो उसका रीजन ही अलग है. उसका रीजन ये है कि as we go towards the periphery, अगर ये हो गया तुम्हारा diameter of the artery, ये हो गया तुम्हारा diameter छोटा हो रहा है, आगे से भी जा रहा है, aorta से आगे जा रहा है, तो artery छोटा 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 होता है ना, artery, artery छोटा छोटा होता है, तो उसमें क्या होता है, जो wave है ना वो reflect हो जाता है. Wave क्या है? Reflect हो जाता है. जो trace होता है वो reflect हो जाता है. जब reflect होता है, जैसे कि अभी मैंने सब यहाँ पर बैठा हूँ, यहाँ पर पूरा पानी है, पूरा पानी टंकी पड़ा हुआ है यहाँ पर पानी का. हाँ, और मैंने यहां से जोर से वेव मारा. हाँ, वेव जोर से पानी को मारा या पत्थर एक जोर से मार दिया, तो पत्थर का वो वेव जैसे जाएगा और उसको लग के फिर वापस आएगा ना. जब वापस आएगा तो वेव बड़ा हो जाएगा. जब वापस आएगा तो वेव बड़ा हो जाएगा. ये हमने देखा है. हमने बोलते हैं ना कि वेव ज्यादा हो जाएगा क्योंकि वो ही लेवल से जा रहा है, टंक करके वो बड़ा हो गया. सिमिलरली पेरिफेरी में जाएगा तो वेव रिफ्लेक्ट होता है. जब वेव रिफ्लेक्ट होता है इसीलिए रेडियल आर्टरी डॉर्सल स्पीडिस बड़ा दिखता है. समझ में आ रहा है? क्लियर? हाँ, रिफ्लेक्टेड वेव का इफेक्ट होता है, इसलिए जितना आर्टरी डायमीटर छोटा होता है उतना वेव उसका बड़ा होते जाता है. क्लियर? हाँ, क्लियर दिस? दिस कॉल्ड एज वेव रिफ्लेक्शन. ठीक है, इसीलिए अलग अलग दिखता है. असेंडिंग एओर्टा, अब्डोमिनल एओर्टा, रेडियल आर्टरी अलग अलग दिख रहा है. ठीक है, एओर्टा बहुत बड़ा है, हम लोग यहाँ पर हम क्या डाल रहे हैं? खाली कैथेटर डाल रहे हैं, ऐसे डाल रहे हैं कैथेटर. हम लोग आर्टरी का वेवफॉर्म जा रहा है, आर्टरी पल्सेशन जा रहा है, बराबर पल्सेशन जा रहा है. तो ये पल्सेशन जाता है और ये जो पल्सेशन है उसको लगता है, तो एक वेवफॉर्म फॉर्म होता है. जैसा हमने अभी बात किया, हमने एक पत्थर डाल दिया तो एक वेवफॉर्म फॉर्म हो रहा है. सिमिलरली ये आर्टरी को ऐसा पड़ा हुआ है, आर्टरी को ऐसा पड़ा हुआ है, तो एक उसको लगता है ब्लड. क्योंकि ब्लड लगेगा तो उसका जो पानी का कॉलम है, क्योंकि हमने पानी लगाया है उधर तक, पानी लगाया बराबर, तो पानी का कॉलम ऐसे ऐसा शेक होने लगता है. जब पानी का कॉलम शेक होता है तब वो ट्रांसड्यूसर तक पहुंचता है. पानी का कॉलम शेक होता है तब वो ट्रांसड्यूसर तक पहुंचता है,
और जब प्रॉब्लम पहुंचता है उसके ऊपर डायफ्राम होता है, दैट्स कॉल्ड अ सेंसिंग डायफ्राम, दैट डायफ्राम स्टार्ट्स मूविंग अप एंड डाउन. व्हेन दैट डायफ्राम मूव्स अप एंड डाउन, दैट चेंज ऑफ मूवमेंट इज पिक्ड अप बाय द मॉनिटर एंड इट गिव्स यू अ नंबर. आर यू अंडरस्टैंडिंग हाउ इट वर्क्स? Once more, what happens is when the arterial pulse comes in, there is a waveform that is formed because of water that goes up to the transducers. Transducer pe jaane ke baad, there is a sensing diaphragm inside the transducer. The diaphragm goes up and down. This is then converted into a number by the monitor. So tell me when this will not work properly then? When this will not work properly? नीचे पड़ेगा तो भी वो काम तो करेगा. प्रॉपर मेजरिंग नहीं आता है सर. मेजरमेंट तो आएगा लेकिन वो एक्यूरेट नहीं रहेगा. सेंसिंग डायफ्राम डायफ्राम नहीं रहेगा. नया मैंने नया मशीन डाल दिया, कभी काम कभी बराबर नहीं रहेगा. वाटर थ्री प्रेशर, अगर मेरा ये वेव फॉर्म किसी भी तरीके से बराबर नहीं रहा, अगर मेरा किसी भी तरीके से वेव फॉर्म नहीं रहा तो ये ऊपर जाएगा नहीं. If this doesn't go properly, diaphragm will not sense. When will this not go properly up? अगर इसमें कोई obstruction आ गया, जैसे कि clot आ गया, जैसे कि इसके बीच में bubble आ गया, air bubble आ गया, इसमें कोई kink कर दिया, हाँ, तो ये जाएगा नहीं यहाँ तक, बराबर? समझ में आ रहा है? हाँ, it will not work in all these places. Clear of this? Now before we go to that, हम लोगों को क्या करना है? अभी तो ये हमने चालू कर दिया, जा रहे ऊपर नीचे ऊपर जाते हैं कि अभी तक तो मशीन को पता नहीं है कि नॉर्मल क्या है. तो हम लोग क्या करते हैं, पहले मशीन को बताते हैं नॉर्मल क्या है. और नॉर्मल बताने के लिए हम क्या बोलते हैं कि ये जो ट्रांसड्यूसर है इसका जो एरिया है इसको ऊपर हवा की तरफ डाल दो. हवा की तरफ डाल के बोलेंगे ये जीरो प्रेशर है. अभी जो प्रेशर आ रहा है व्हाट इज इट? जीरोइंग का मतलब ये होता है हम क्या करते हैं, ओपनिंग द ट्रांसड्यूसर टू द एटमॉस्फेयर to tell the transducer why this is called zero pressure. तो अभी जो नया प्रेशर आएगा उसको इंटरप्रेट करने को बोलेगा this is the blood pressure. समझ में आ रहा है? This is called zeroing. Okay? So zeroing अगर चाहिए तो zeroing किधर करना चाहिए? किधर भी कर सकता है. zeroing में mind station पे करके आके लगा सकता हूँ patient को. समझ में आ रहा है? मेरे को ऐसे zeroing के लिए patient को इधर आम पे रखने की जरूरत नहीं है. समझ में आ रहा है? मैं zeroing जब भी मैं आर्ट लैंड लगा रहा हूँ तभी मैं उसको टर्न करके zeroing प्रेस कर सकता हूँ. आपको वेट नहीं करना रहता है कि भाई तुम आर्टलाइन पहले डालो फिर जीरो करो. समझ जा रहा है? यू अंडरस्टैंडिंग? आई कैन जीरो इट आउटसाइड. सो इफ आई हैव टू पुट एन आर्टीरियल लाइन, आई विल जीरो एंड कीप इट रेडी. वो जब डॉक्टर ने लगा दिया तभी तुरंत प्रेशर आ जाएगा. आप लोग क्या करते हो मालूम है? आप पहला वो लगाते हो उसके बाद देते हो फिर डॉक्टर उधर जीरो सब लोग मिलकर जीरो जीरो करने चालू करते हो फिर देखते हैं प्रेशर आ जाए. वो टाइम वेस्ट है हमारा. जब हम आर्टरी लाइन डाल रहे हैं उसको पहले जीरो करके रेडी करो. कुछ नहीं होगा तो जीरो के बाद आता है क्या? जीरो के बाद आ नहीं जाएगा. जीरो है वो बताते रहेगा कि ये जीरो है. उसको तुमने बता दिया कि ये जीरो है तो जीरो बता रहा है. जब तुम लगा दोगे तो तुम प्रेशर बता देगा. समझ में क्या बोल रहा हूँ? जीरो के बाद और एक जीरो आता है ना? हाँ ओके. तो जीरो के और एक जीरो कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो वो accurate आएगा कुछ प्रॉब्लम नहीं है. समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ तो जीरो हमको करना रहता है. पहले जीरो करके रखना जरूरी है. हम लोग व्हाट आर वी डूइंग बाय जीरो? वी आर ओनली टेलिंग द ट्रांसड्यूसर व्हाट इज जीरो. वी आर ओनली टेलिंग द ट्रांसड्यूसर व्हाट इज जीरो. तो वो मैं चाहिए तो मैं बाहर से करके ले जा सकता हूँ. मेरे को इधर अंदर ऐसे हॉस्पिटल के अंदर भी जरूरत नहीं है. समझ आ रहा है? तो आप सो ऑलवेज कीप व्हेन यू पुटिंग एन आर्टरी लाइन व्हाट यू शुड डू सपोज टू जीरो एंड कीप इट रेडी. Zero and keep it ready. See, when the moment the line artery line goes inside, then the doctor will just connect it. तुमको pressure immediately आ जाएगा. तभी वो zero करने का ये करने का मतलब ही नहीं. समझ में आ रहा है? हाँ. So and that is why we zero it. It is just telling the transducer what is zero. समझ में आ रहा है? हाँ. ये transducer खाली वो area होता है, लेकिन उसके ऊपर एक छोटा सा blue color का strip होता है. वो क्या है? हाँ. And this entire assembly is called what? The entire assembly is actually called as continuous flush device. हाँ, ये क्या करता है? ये जो एंटायर एरिया है ना, ये इट कीप्स ऑन गिविंग सम अमाउंट ऑफ वाटर ऊपर से एट 1-3 ml पर आवर. कितना जा रहा है? जब हम उसको फ्लश कर देंगे, जब हम फ्लश करेंगे तो सीधा 1-3 ml पर आवर चला जाएगा. जब हम फ्लश करते हैं, समझ में आ रहा है?
हाँ, इसको हम ओपन करते हैं उसको हम बोलते हैं फ्लश, ओके। और उसको जब भी फ्लश फास्ट फ्लश करते हैं, बहुत ज्यादा फ्लश ओपन कर देंगे तो 30 mm पर मिनट चला जाएगा। 30 mm पर नॉर्मली कितना जा रहा है? 1-3 mm पर आ रहा है। सर ऑन करके रखा है, ये है इधर 1-3 mm पर जा रहा है, 1 mm पर आवाज जा रहा है, 24 mm दिन में जा रहा है। लेकिन समझ लो मैंने उसको फास्ट फ्लश किया, दैट मींस मैंने उसको ओपन किया, तो कितना जाएगा? 30 mm पर। क्लियर? समझ में आया? हाँ, तो ये फ्लूइड जाता है पेशेंट को, ये 24 ml या जो भी 50 ml तक जाता रहेगा अंदर पेशेंट को। समझ में आया? 1-3 ml पर। क्लियर? हाँ, दिस इज हाउ द एंटायर डिवाइस लुक्स, ओके। फ्रॉम हियर इट गोस टू द मॉनिटर एंड देन इट गिव्स यू द रीडिंग। बराबर? सिंपल। हाँ, now it is very important to zero the transducer so that actually and keep it where, you have to suppose to keep it in the phlebostatic axis. Zero करने के बाद हमको ये transducer को phlebostatic axis पर रखना है। Phlebostatic axis किधर होता है? Phlebostatic axis right इधर होता है। किधर है? It should be in the phlebostatic axis. Phlebostatic axis is this one. This is the phlebostatic axis. मतलब इधर। समझ रहे हैं? हाँ? This is called as phlebostatic axis. Now, importantly, हम यहाँ पर रख नहीं सकते, यहाँ पर रखा तो उसको हाथ लगेगा, इसलिए हम कहाँ रखते हैं? यहाँ पर रखते हैं। समझ में आ रहा है? Phlebostatic axis. Clear on this? हाँ? इधर रखने का क्या फायदा है? समझ लो मैंने उसको बेड पे लगा दिया, समझ लो रेलिंग पे लगा दिया मैंने उसको, या फुटेड पे लगा दिया, तो और आसान हो जाएगा। अगर समझ लो ये है और ट्रांसड्यूसर मैंने जीरो कर दिया और फिर मैंने फुटेड पे लगा दिया, क्या फर्क पड़ेगा? मेजरिंग प्रॉपर्टी क्या होता है? तो कितना भी पेशेंट को हिलाओ, कितना भी पेशेंट को हिलाओ, हाँ, तो ये यहाँ पे यहीं रहेगा, फ्लेबोस्टेटिक एक्सेस में ही रहेगा, तो ब्लड प्रेशर चेंज नहीं होगा। समझ में आ रहा है? हाँ, लेकिन अगर समझो मैंने ब्लड प्रेशर ले लिया और उसको मैंने ट्रांसड्यूसर को नीचे डाल दिया, नीचे डाल दिया ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाएगा। सिमिलरली अगर मैंने ट्रांसड्यूसर को ऊपर ले लिया, हाँ, तो ब्लड प्रेशर नीचे चला जाएगा। तो सिमिलरली अगर मैंने ट्रांसड्यूसर को फुटेड पे लगा दिया, बेड का रेलिंग पे लगा दिया, हाँ, और फिर पेशेंट ऊपर चला गया, तो ब्लड प्रेशर तुमको ऊपर दिखेगा। समझ में आ रहा है? इसलिए हम वहां नहीं लगाते हैं, हम स्टैटिक जगह पे लगाते हैं, जैसे कि आईवी पोल पे। समझ लो मैंने आईवी पोल पे लगा दिया ट्रांसड्यूसर को, आईवी पोल पे ट्रांसड्यूसर को नहीं चाहिए, हाथ पास में नहीं चाहिए, ट्रांसड्यूसर को आईवी पोल पे लगा दिया और फिर मैंने पेशेंट को प्रॉप्ड अप कर दिया, तो ब्लड प्रेशर क्या होगा? ब्लड प्रेशर ज्यादा दिखेगा। तो आपको ये याद रखने का, क्योंकि समझ लो पेशेंट को इधर लगा दिया और फिर मैंने पेशेंट को लैटरल मोशन दे दिया, तो तुम्हारा फ्लेबोस्टेटिक एक्सेस चेंज हो गया, तो बीपी तुमको क्या होगा? बीपी कम दिखेगा। समझ आ रहा है? बीपी तुमको कम दिखेगा अगर ट्रांसवर्स ऐसा मैंने लैटरल मोशन दे दिया, तो बीपी तुमको क्या दिखेगा? तभी आपके बापा क्यों नहीं बोलेगा कि आके सर ब्लड प्रेशर गिर गया, ब्लड प्रेशर गिरा कि तुमने उसको लैटरल मोशन दिया हुआ है, ट्रांसवर्स ऊपर ले लिया तुमने। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? हाँ, so it's important for you to understand where to keep the transducer. हाँ, this has to be checked on all your duty, during your duty. So transducer may be attached to the patient or to the pole. अगर वो pole पे attached है तो क्या करना है? जब patient ऊपर जाएगा तो transducer भी ऊपर जाना चाहिए, ठीक है? Changes in bed position generally requires re-zeroing the pressure transducer. समझ लो हमने bed position जब तो change किया तो zero करना ही अच्छा रहेगा, अगर वो अलग जगह पे रखा हुआ है। इफ ट्रांसड्यूसर इज बिलो द फ्लेबोस्टैटिक एक्सिस द ब्लड प्रेशर विल बी हाई, इफ द ट्रांसड्यूसर इज अबव द फ्लेबोस्टैटिक एक्सिस द प्रेशर विल बी एरोनियसली लो। समझ में आ रहा है? नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है? अभी नाउ वी गो टू द टेक्निकल प्रॉब्लम दैट वी कैन फेस। नाउ कैन यू सी दिस आर द टेक्निकल प्रॉब्लम्स। अब ये जरूर नॉर्मल हो गया, एनाक्रोटिक नॉच, पीक सिस्टोलिक प्रेशर, डायक्रोटिक नॉच, डायक्रोटिक वेव एंड यू हैव डायस्टोलिक प्रेशर। हां, इसमें और इसमें क्या फर्क है? हियर व्हाट हैज हैपेंड, द डायक्रोटिक नॉच चला गया है। अपने आप डिस्कस किया था कि भाई अगर डायक्रोटिक नॉच चला गया, इट कुड बी सेप्सिस, इट कुड बी एओर्टिक वायर नॉट वर्किंग, इट कुड बी डिहाइड्रेशन, लेकिन देयर कुड बी आल्सो टेक्निकल प्रॉब्लम, इट कुड बी जस्ट समथिंग कॉल्ड एज ओवर डैम्पिंग। हां, तो चार रीजन है ये यहां इसमें जाने का। एक तो तीन तो हमने डिस्कस किया, डिहाइड्रेशन हो गया, एओर्टिक वायर हो गया, सेप्सिस हो गया, चौथा है कि वो टेक्निकल प्रॉब्लम है। हां, सिमिलरली ये वेवफॉर्म बहुत बड़ा भी हो सकता है। हां, ये टेक्निकल प्रॉब्लम ऑफ ओवर डैम्पिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवर डैम्पिंग।
अभी आपको पता करना पड़ेगा कि भाई ओवरडैम है कि ये एक्चुअली सेप्सिस में जा रहा है, हाइपोवोलेमिया में जा रहा है, हा? या एओर्टिक वाल्व का प्रॉब्लम है, ये आपको जानना है ना। क्योंकि इसमें क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, पीक सिस्टोलिक प्रेशर इधर है, इसका पीक सिस्टोलिक प्रेशर नीचे आ गया। तो अगर समझ लो ये होता 130, ये होता 130, तो ये कितना हो गया, 110 100 कुछ हो गया, समझ में आ रहा है। सिमिलरली डैशबोर्ड प्रेशर तुम्हारा कितना था, 60, अभी डैशबोर्ड प्रेशर 70-80 कुछ हो गया तुम्हारा। सो तुम्हारा प्रेशर दोनों अलग अलग है ना, दोनों प्रेशर अलग है। तो इज दिस बिकॉज ऑफ सेप्सिस और इज दिस बिकॉज ऑफ टेक्निकल प्रॉब्लम। जैसे मैंने क्या बताया कि अगर अगर कोई क्लॉट आ गया, अगर कोई किंक आ गया, अगर कोई एयर बबल आ गया, तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया, टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया। तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम पता कैसे करूंगा मैं, टेक्निकल प्रॉब्लम है कि नहीं, कैसे कैसे पता करूंगा मैं। तो इसका एक टेस्ट होता है, वो टेस्ट को बोलते हैं फास्ट फ्लशिंग। सो क्या बोलते हैं, फास्ट फ्लशिंग, फास्ट फ्लश और स्क्वायर वेव टेस्ट। अभी मुझे बताओ कि हमारा जो ऊपर पानी रहता है उसका क्या प्रेशर रहता है, 300। अगर मैंने ट्रांसड्यूसर को हवा की तरफ कर दिया तो क्या प्रेशर दिखेगा तुमको, अगर मैंने ये ट्रांसड्यूसर को हवा की तरफ चेंज कर दिया तो आपको क्या क्या ब्लड प्रेशर दिखेगा, जीरो दिखेगा। इसको हम जीरोइंग बोलते हैं, हमको जीरो दिखेगा। हाँ, अगर मैंने ये ट्रांसड्यूसर को उस बैक पर फोकस कर दिया तो क्या आएगा, बैक का प्रेशर जो आएगा, जो 300 हम लगा रहे हैं, हाँ जो 300 लगा रहे हैं। मैंने गो बैक टू आवर वेव फॉर्म हियर, तो अगर मैंने वो प्रेशर देखना है तो मेरे को 300 दिखेगा, अगर मेरे को हवा देखना है वो जीरो हो जाएगा, और अगर बॉडी के अंदर अगर ये है बॉडी के अंदर प्रेशर तो ब्लड प्रेशर दिखेगा मेरे को, बराबर। हाँ, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फास्ट फ्लश कर रहा हूँ। जब मैं फास्ट फ्लश करता हूँ, जब मैं वो ब्लू चीज, व्हेन आई पुल दैट ब्लू थिंग, द प्रेशर दैट इट सीज इज द प्रेशर इन द बैग। व्हेन आई पुल दैट फास्ट फ्लश व्हिच गिव्स 30 ml पर मिनट ऑफ फ्लूइड, इट इज गिविंग द प्रेशर ऑफ द बैग। तो अभी क्या होगा फास्ट फ्लश में, समझो ये 120/80, ये 150, इसका 150 तक इधर चलते हैं, 150 जैसे हमने इधर अभी देखा। तो फास्ट फ्लश करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, एकदम ऊपर चला जाएगा, हाँ, और फिर गिर जाएगा, तो मैं छोड़ दूंगा। तो जा रहा है 300 तक और फिर गिर रहा है। हमको क्या देखना है, जब ये गिरता है कैसा गिरता है, ये जब ये गिरता है ये कैसा गिरता है, क्लियर। अ सिस्टम दैट डज नॉट हैव अ टेक्निकल प्रॉब्लम, अ सिस्टम दैट डज नॉट हैव अ टेक्निकल प्रॉब्लम, ओके, विल हैव अ वेवफॉर्म दैट हैज वन और टू ऑसिलेशंस, वन एंड टू ऑसिलेशन, इधर देखो, वन एंड टू ऑसिलेशन, मतलब ये ऊपर जा रहा है, गिर रहा है, दो ऑसिलेशन आ गया, समझ में आ रहा है, ये दो ऑसिलेशन आ गया हमारे पास। हाँ, सो इफ इट हैज टू ऑसिलेशंस, हाँ, द टेक्निकल प्रॉब्लम इज नॉट देयर, समझ में आया। दैट मींस तुम जो ब्लड प्रेशर देख रहे हो वो या तो फिर डिहाइड्रेशन है, या तो फिर सेप्सिस है, या तो फिर एओर्टिक वाल्व का प्रॉब्लम है, समझ में आया। अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग, हां, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ नर्स टू अंडरस्टैंड, ओके। सो गोइंग बैक टू व्हाट आई जस्ट नाउ टॉक, हां, द स्क्वायर वेव इज प्रोड्यूस्ड बाय फास्ट फ्लश दैट इज ऑब्टेन्ड बाय रैपिड पुशिंग एंड द रिलीज ऑफ अ फास्ट फ्लश डिवाइस ओपन, हां, द फास्ट फ्लश टेस्ट शुड बी रिपीटेड 2-3 टाइम्स एंड द रिस्पांस शुड बी रिकॉर्डेड। द स्क्वायर वेव शुड रिटर्न क्विकली टू द बेसलाइन, इट शुड रिसीव क्विकली टू द बेसलाइन। There should be one or two bounces after the square wave, one and two bounces after the wave. Huh? The second bounce should be lesser than the height of the first bounce. Same नहीं हो सकता है। ये अगर बड़ा bounce है, next छोटा हो सकता है। दोनों साथ में नहीं हो सकता है। दोनों same नहीं हो सकता है। हाँ? And number of blocks, आपको ये तो हम लोग अगर trace ही निकालेंगे तो ही पता चलेगा। हम लोग का नया monitor में वो कर सकते हैं। हम लोग का जो नया monitor है, उसमें हम लोग print दबा के दे सकते हैं। समझ में आ रहा है, हाँ, तो ये हमको ट्रेसिंग मिल सकता है जिसमें हम लोग वी कैन से दैट द नंबर ऑफ ब्लॉक्स बिटवीन द बाउंसेस शुड बी लेस देन 1, दिख रहा है ये ब्लॉक इधर पर 1 लेस देन 1 ना, लेस देन 1, समझ में आ रहा है। सो दैट इज व्हाई वी से दैट द एंटायर सिस्टम इज वर्किंग वेरी वेल। सो आई जस्ट रिपीट दिस वंस मोर, व्हेन यू पुट अ फास्ट फ्लश इट शुड कम डाउन टू द बेसलाइन क्विकली,
it should have two bounces, one or two bounces. The second bounce should be smaller than the first bounce. And the last thing is, it should not be more than one block. वो आपको दिखेगा नहीं, ये पहला तीन चीज दिखेगा, समझ आ रहा है? इसका मतलब ये है, अगर मेरा वेव फॉर्म ऐसा दिख गया, what is the problem? क्या है इसमें, क्या नहीं दिख रहा आप लोगों को? एक तो आप लोगों को ऑसिलेशन नहीं दिख रहा, क्या नहीं दिख रहा? क्या क्या होना चाहिए था उधर? कितना होना चाहिए था? 1 to 2. हाँ वो तो नहीं दिख रहा आप लोगों को. और क्या प्रॉब्लम दिख रहा आपको? और क्या प्रॉब्लम दिख रहा आपको? और क्या दिख रहा आपको? हमने क्या बोला एक्चुअली, क्विकली कम डाउन टू बेसलाइन. अब ये क्विक नहीं आ रहा, अगर मिल होता तो इधर आता था ये. समझ में आ रहा है? गोइंग बैक टू द वेवफॉर्म, क्या हो रहा है इधर? क्विकली कम टू, क्विकली जा रहा है, एकदम इमीडिएटली जा रहा है नीचे. हां अभी इस पे क्या हो रहा है? इमीडिएटली जा नहीं रहा, ये इधर जाना चाहिए था, ये आ रहा है ऐसा टेढ़ा. तो इट्स नॉट क्विकली कमिंग डाउन टू द बेसलाइन, देयर आर नो टू बाउंसेस. This is called as over-damping, which is a technical problem. Over-damping. So your blood pressure will look small, but the problem is it is not less. The problem is technical. And what could be the technical problem? Air in the entire system. This is what I said. When the system will work properly, then the blood will work properly. So if there is air in the system, if there is blood or catheter in the system, in the catheter, kink in the catheter, a bubble or a very very soft tubing, जैसे कि IV set लगा दिया मैंने, IV set लगा दी तो उतना बर्बाद दिखेगा नहीं. इसे मैंने starting में बताया कि जब pressure हम देख रहे हैं तो हमको arterial line से ही करना है, arterial set से ही करना है, PM kit जिसको हम बोलते हैं उससे ही कर सकते हैं हम लोग, ठीक है? ये हो गया overdamping. एक और problem होते हैं underdamping. Underdamping में अभी AF में क्या difference बन रहा है बताओ? पहली बार तो क्या दिख रहा है? More than three bounces. 1, 2, 3. और दूसरा क्या हो गया? Second bounce is almost equal to the first bounce. It should not be like that. The second bounce should be much smaller than the first bounce. तो almost equal हो गया ये. तो this is called as under damping. What is called as? ये कभी होता है जब हमने दो तीन stop block लगा दिया, इधर एक लगा दिया, इधर एक लगा दिया, उधर एक लगा दिया, तीन चार stop block लगा दिया, नहीं तो tubing बड़ा लंबा कर दिया. कभी कभी क्या होता है, जब भी पेशेंट बाईपास कर दे ऑन अ सीएबीजी, यू मे वांट द आर्टरी लाइन टू बी मच लॉन्गर. कभी कभी वो लॉन्ग आर्टरी लाइन के साथ लगेगा तो कभी वैसे दिख सकता है. तो अंडर डैम्पिंग नॉर्मली हमको आईजी में अंडर डैम्पिंग दिखता नहीं, नॉर्मली हमको ओवर डैम्पिंग दिखता है. क्लियर? हां क्लियर. तो सिस्टर, इफ यू हैव अ पेशेंट दैट हैड अ ब्लड प्रेशर ऑफ 130/80 एंड यू फाउंड द वेवफॉर्म टू बी दिस, एंड नाउ सडनली फाउंड द वेवफॉर्म टू बी लाइक दिस, and blood pressure is 120 and blood pressure showing 60/50, what will you do? क्या करोगे आप? पेशेंट आपने, आप ग्राउंड ले रहे थे, आपका बीपी था 130/80 जब आपने चालू किया, और अभी अभी क्या हो गया? अभी तुमने देखा कि 120/80 से वो सीधा 80/50 हो गया, तो अब क्या करोगे? पहला आप पेशेंट देखो. हाँ पेशेंट को क्या दिखोगे? पोजीशन नहीं, हम वी विल गो बैक टू आवर नॉन इनवेसिव मेथड्स. पेशेंट कैसा है? ऑल्टर मेंटल स्टेटस है क्या? पेशेंट गर्म ठंडा हो गया क्या? हाँ पेशेंट का हार्ट रेट चेंज हो गया क्या? हाँ पिग्मी नोड कम हो गया क्या? टेम्परेचर, हाँ टेम्परेचर क्या हो गया? कैपिलरी फिल्ड टाइम क्या हो गया? ये सब तुरंत दे देंगे. कितना मिनट लगेगा मेरे को? 1 मिनट लगेगा ऑफ करने के लिए. कितना मिनट लगेगा? 1 मिनट लगेगा मेरे को. हाँ क्योंकि मैं क्विकली सब देखूंगा, मैं हाथ लगाऊंगा फिर ठीक है क्या, ठीक है क्या? हाँ क्योंकि पहला मैंने देखा कि 120 से वो 60 हो गया है ना, तो अगर वो 120/60 हो गया तो हम लोग को पता है हमारे पास नॉन इन्वेसिव मेथड्स है. ये नॉन इन्वेसिव मेथड्स में कैपिलरी रिफिल टाइम आ गया, टेम्परेचर आ गया, कितना कोल्ड हो गया आ गया, यूरिनरी आउटपुट आ गया, बहुत ऑल्टर मेंटल स्टेटस आ गया, मॉडलिंग आ गया, मॉडलिंग तो बहुत लेट हो जाता है, ठीक है? ये सब आ गया. क्लियर? हाँ सो आई फर्स्ट डू दिस क्विकली, देन नेक्स्ट थिंग व्हाट आई विल डू. अगर पेशेंट सब ठीक है, मेरे तो ठीक है, एकदम नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है, ना कैपिलरी रिफिल टाइम चेंज हुआ है, ना यूरिन आउटपुट बदला हुआ है, ना पेशेंट का टेम्परेचर कुछ चेंज हुआ है, टैकीकार्डिया भी नहीं है, व्हाट विल यू डू? नहीं, देन आई विल डू व्हाट? आई विल डू अ फास्ट फ्लश टेस्ट. ठीक है, आई विल डू अ फास्ट फ्लश टेस्ट. इसकी बात की ना मैंने अभी से पहले, फास्ट फ्लश टेस्ट. हम लोग ये फास्ट फ्लश टेस्ट करेंगे, समझ रहे हैं?
क्लियर। फास्ट फ्लैश टेस्ट अगर किया और उसमें पता चला कि ये ऐसा है तो क्या प्रॉब्लम है पेशेंट का? पेशेंट को प्रॉब्लम है कि टेक्निकल प्रॉब्लम। सर मैं आई हैव अंडरस्टूड द अप्रोच। हां सर अंडरस्टूड द अप्रोच। यस सर। हां अप्रोच इज वेरी क्लियर। अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर अचानक से कम होता है, फर्स्ट आई विल असर्टेन whether पेशेंट इज ओके। मैं क्या बोलूंगा भाई, आपकी को क्या, इज एवरीथिंग ओके? हां ऑल्टर ब्लड प्रेशर इज नहीं, आई विल सी कैपिटल बी फॉर देख लूंगा, आई विल सी फॉर पल्स रेट, आई विल सी फॉर यूरिन आउटपुट, आई विल सी हाउ कोल्ड द पेशेंट इज एंड देन आई विल सी ओके पेशेंट टू इज लुकिंग ओके। हां now quickly let me do the fast flush test and quickly I do fast flush test. The fast flush test karunga mere ko agar ye dikh gaya, ye agar dikh gaya matlab technical problem mere ko to solve karne ka, kidhar to air hai, kidhar to water hai, kidhar to clot baitha hai, catheter ke andar clot baitha hai, aisa kuch hua hai ya phir kink ho gaya, haan jaise kink ho gaya, andar kink ho gaya, humne ko aisa dekh liya, samajh aa raha hai? Haan agar samajh mein mera aisa nahi hai, normal hai, agar aisa nahi normal hai matlab kya ho gaya? Patient ko problem hai, doctor ko jaldi bulao। और लेस प्रेशर इन द बैग, अगर प्रेशर कम होगा तो क्या होगा? नहीं, प्रेशर अगर बढ़ा करें तो क्या होगा? क्या हो रहा है? वो प्रेशर क्यों लगा रहे हैं हम? वो बैग में प्रेशर क्यों लगा रहे हैं? फ्लश चालू रहने के लिए, ऑल द टाइम चालू रहने के लिए, ऑल द टाइम चालू रहने के लिए हमने वो बैग लगा के रखा हुआ है ताकि 1-3 ml/min चालू ही रहे, चालू ही रहे। समझ में आ रहा है? छोटा अमाउंट चालू ही रहना चाहिए। हाँ वो छोटा अमाउंट चालू रहने के लिए हमने वो लगा के रखा ताकि ये फ्लश होता रहे, ताकि अब क्लॉट ना फॉर्म हो जाए। तो अगर समझ लो वहां पर मैंने उसका प्रेशर कम कर दिया, यहाँ पर क्या फॉर्म होगा? और अगर क्लॉट होगा तो क्या होगा? मेरा आर्टरी टेक्निकल प्रॉब्लम होगा, जिसको क्या बोलते हैं? ओवर डैम्पिंग होगा। समझ में आ रहा है क्या बोली वो? हाँ, अगर मेरा वो प्रेशर कम अगर हो गया तो क्या होगा? टेक्निकल प्रॉब्लम। क्या नाम है उसका? ओवर डैम्पिंग होगा। सो टॉक साइंटिफिक लैंग्वेज, ओके? हाँ, ओवर डैम्पिंग। क्लियर ऑन दिस? हाँ, क्लियर। ये हो गया तुम्हारा अंडर डैम्पिंग, ठीक है? विल नॉट टॉक अबाउट इट। अगर प्रॉब्लम अगर होता है, अभी समझ लो आपने किया और आपको पता चला कि भाई ये नहीं हो रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम लग रहा है, हाँ ये टेक्निकल प्रॉब्लम है और ये सॉल्व नहीं हो रहा है, तो इमीडिएटली क्या करना है मुझे? मुझे डॉक्टर को बोलना है भाई ये काम नहीं कर रहा है, या तो मेरे बदल दो, हम लोग निकाल देते हैं और हम लोग ऑस्कल्टेटरी मेथड से हम ट्राई कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? हां, वो रख के कोई फायदा नहीं। समझ में आ रहा है? अगर वो काम नहीं कर रहा है तो आप क्या करोगे? आपको डैम्पिंग मिल गया, यू ओपन द ड्रेसिंग, यू एडजस्ट द लाइन प्रॉपरली विद स्टाइल टेक्निक्स, बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फ्लश करके देखो बराबर जा रहा है नहीं जा रहा है। समझ में आ रहा है? जब भी फ्लश करोगे तो बड़ा सिरिंज से फ्लश नहीं करने का, 10 cc हो गया, 20 cc हो गया, उससे फ्लश नहीं करने का। क्यों? क्यों? क्योंकि हमारे जो आर्टरी लाइन कितना पतला है, देखा है ना, ये मैंने ड्रॉ किया इससे ही पतला है, जब मैं आर्टरी लाइन रखूं इसी बीच से ड्रॉ किया उससे भी पतला है वो, तो उसमें से मतलब मैंने 10 cc से फ्लश या 20 cc से फ्लश किया तो इसका जो एंड है ना वो कट जाएगा, एंड कट जाएगा, जब एंड कट जाएगा तो वहां पर क्लॉट फॉर्म हो जाएगा, तो इसलिए वी डोंट फ्लश विद वेरी बिग अमाउंट, इफ आई 2 cc That is enough. समझ में आया? उतना प्रेशर इज इनफ। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? हां, क्लियर, राइट? अभी इसमें हमने बात किया कि ये क्या हो रहा है, ये जा रहा है ऊपर, ये जा रहा है नीचे, ये जा रहा है ऊपर, ये जा रहा है, हमने स्टार्टिंग में बात किया, हाँ, कि भाई डायग्नोस्टिक नॉब चला गया और या तो फिर ये ऊपर नीचे जा रहा है। हाँ, हमने बोला जब भी स्विंग हो रहा है, जब भी स्विंग हो रहा है इसका मतलब ये है कि शायद बॉडी में हाइपोवोलेमिया है, ओके? हाँ, जब हम लोगों ने मीन आर्टरी प्रेशर बात किया, राइट? मीन आर्टरी प्रेशर इज 1/3 सिस्टोलिक प्लस 2/3 डायस्टोलिक, राइट? एक दूसरा चीज होता है पल्स प्रेशर। व्हाट इज पल्स प्रेशर? पल्स प्रेशर इज सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर, सिंपल, 120 माइनस 80 इक्वल्स हाउ मच? 40। दिस इज पल्स प्रेशर।
ठीक है, दिस इज पल्स प्रेशर। और जब हम जब पल्स प्रेशर वेरी होता है तो वेवफॉर्म तुम्हारा ऐसे दिखने चालू हो जाता है, पल्स प्रेशर वेरिएशन। हाँ, तो अगर कभी कभी बोलते हैं ना पीपीवी लगाओ, पीपीवी लगाओ, पीपीवी लगाओ, बोलते हैं ना लोग पीपीवी, तो बाजू में एक नंबर आता है पीपीवी का, पीपीवी का नंबर आता है बाजू में, उसको हम क्या बोलते हैं, पल्स प्रेशर वेरिएशन। समझ में आ रहा है, पल्स प्रेशर वेरिएशन। ये पल्स प्रेशर वेरिएशन क्या बोलता है, अगर ये बहुत ज्यादा पल्स प्रेशर वेरिएशन है तो शायद हाइपोवोलेमिया है, शायद पेशेंट को हाइपोवोलेमिया है। समझ में आ रहा है, तो नॉर्मली ज्यादा जब मैं बोलता हूँ मोर देन 13, मोर देन 13 नंबर उसका मोर देन 13 होता है। समझ में आ रहा है, क्लियर? समझ में आया पल्स प्रेशर वेरिएशन के बारे में? हाँ, पल्स प्रेशर इज इक्वल टू सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर। और अगर मेरा पल्स प्रेशर इज मोर देन 13, वेरिएशन इज मोर देन 13, मोर देन 13 मतलब वेरिएशन, नॉट पल्स प्रेशर, वेरिएशन इज मोर देन 13 मतलब यहाँ पर 40 है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 40 है, यहाँ पर 20 है, मतलब वेरिएशन कितना हो गया, 40-20 वेरिएशन, 20 का वेरिएशन हो गया, बराबर। वो हम लोग का मॉनिटर बताता है हमको वेरिएशन, समझ रहे, वो वेरिएशन बताता है। अगर वो वेरिएशन मोर देन 13 रहा, देयर इज अ हाई चांस दैट दिस पेशेंट इज हाइपोवोलेमिक। क्लियर, हैव यू अंडरस्टूड दिस? पल्स प्रेशर वेरिएशन समझ में आ गया? हाँ, और ये पल्स प्रेशर, इसलिए हमको पल्स प्रेशर वेरिएशन चाहिए मॉनिटर पे, इसलिए जो आउटलाइन डालेंगे आपको दिख रहा है वो, क्योंकि एक अंदाजा आ जाता है भाई क्या है प्रॉब्लम। समझ में आ रहा है? हाँ, तो ऐसे बैक साइड और सबसे ऊपर सीधा है कि भाई पीपीवी 25 दिख रहा है, मैं सर को एक बार बता देता हूँ कि ये 25 है, क्यों, क्योंकि 13 के ऊपर है वो। समझ में आ रहा है? तो चांस है कि पेशेंट हाइपोवोलेमिक है, तो मैं जाके बता दूंगा सर को कि ऐसे से हो गया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज पल्स प्रेशर वेरिएशन, दिख रहा है? हाँ, दिस इज कॉल्ड एज पल्स प्रेशर वेरिएशन। एक्चुअल उसका इक्वेशन अलग है, लेट अस नॉट गो इनटू दिस, लेकिन एक है वेरिएशन, आपको ये समझ में आना चाहिए कि वेरिएशन हो रहा है। क्लियर, समझ रहा है? और बाजू में पीपीवी दिखेगा आपको, क्लियर? यस यस सर। एनी डाउट्स अपॉन आर्टिकल लाइन? एनी डाउट्स अपॉन आर्टिकल लाइन नाउ? आर्टिकल समझ में आया? समझ में आया? हाँ, so just hold the systolic, you're seeing here diastolic, and here you're seeing mean arterial pressure, jo the one in the bracket is the mean arterial pressure. Okay, now let us go to the transducer, let us understand what we have to discuss here. So if you see this, you have the line that is coming from here, idhar se line ja raha hai, ha ye line ja raha hai, yahan se yahan gaya, aise gaya, yahan par gaya, ha, aur ye tumhara transducer aa gaya. Yahan se jo line is going, this is going to the bag over there, and the back pressure is over there. Huh? Abhi, let us just turn the monitor towards my side. Turn the monitor this way. Turn the monitor this way. Now see. Turn the monitor. I'm going to turn this towards on top. Okay. Open. So now this is exposed to air. It's exposed to air, na? It's exposed to air. The monitor is exposed to air. So kya dikh raha hai? जीरो। क्या है प्रेशर आउटसाइड? जीरो। जीरो। समझ में आया? हाँ, क्लियर ऑन दिस? अभी मैंने इसको क्लोज कर दिया, नाउ इट इज एक्सपोज टू बॉडी, इसलिए क्या दिख रहा है तुमको? बॉडी प्रेशर, आर्टरियल ब्लड प्रेशर। समझ में आया? नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना नाउ किंक दिस, हमने डिस्कस किया, अभी पहले इनको पहले देख लेते कि भाई क्या हो रहा है, ठीक है? मैं उसको किंक करने वाला हूँ, मैंने इसको किंक कर दिया, किंक उतना जल्दी होता नहीं है, ये किंक कर दिया। ये तो बिकॉज ये आर्टलाइन ऐसा होता है ना, इसलिए किंक नहीं होता है। समझ में आ रहा है? इसमें समझ लो मैंने उसको बंद करना है, मैंने उसको समझ लो मैंने उसको ऐसा कर दिया, इसको यहाँ से ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक हो गया ये, हाँ, तो जीरो हो गया। समझ लो मैं इसको किंक करने के लिए मैंने उसका हाथ चेंज टर्न कर दिया, हाथ टर्न कर लेता, मैं हाथ टर्न कर लिया। हाँ, देखो क्या हो गया उधर, तुम्हारा डायक्रोटिक नॉच चला गया, अभी देखो ये आ गया डायक्रोटिक नॉच, किधर डायक्रोटिक नॉच दिखा, डायक्रोटिक दिखा, जाके शो मी द डायक्रोटिक नॉच देयर सिस्टर, डायक्रोटिक दिखाओ मेरे को, वहां पर जाके डायक्रोटिक नॉच कौन सा है तुम्हारा? हाँ, दैट्स अ डायक्रोटिक नॉच, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको किंक कर दिया। हाँ, किधर के डायक्रोटिक नॉच तुम्हारा गायब हो गया?
अभी तुम्हारा ब्लड प्रेशर भी चेंज हो गया, देखो ब्लड प्रेशर तुम्हारा 150 160 तक क्या हो गया, 150 98 देखो कम हो गया। अभी तुमको जानना है भाई ये किसकी वजह से हो रहा है, तुम क्या करोगे फास्ट फ्लश टेस्ट, अभी उस पर ध्यान देखो क्या होने वाला है। मैं इसको फास्ट फ्लश कर रहा हूँ यहाँ से, और ऊपर देखो 300 पहुंच गया ऊपर छोड़ दिया, वो देखो डैम्प दिख रहा है क्या होना चाहिए था वहां पर, ऑसिलेशन होने चाहिए थे दो, दिख रहा है तुमको नहीं। अभी मैं इसको सीधा कर देता हूँ, मैं इसको टेक्निकल प्रॉब्लम ठीक कर दिया। हाँ टेक्निकल प्रॉब्लम ठीक कर दिया, डायक्रोन नॉच आ गया तुम्हारा, डायक्रोन नॉच आ गया। हाँ अभी मैं उसको टेक्निकल प्रॉब्लम ठीक कर दिया, मैंने कर दिया ना किंग निकाल दिया मैंने, अभी तक किंग था भी, किंग मैंने निकाल दिया। नाउ आई विल डू अ फास्ट फ्लश अगेन, ठीक है लेट अस सी नाउ व्हाट हैपेंस। देखा आ गया उसमें ऑसिलेशंस आ गया, 1 टू 2 ऑसिलेशंस आ गया, 1 ऑसिलेशन, सो वी आर ओके नाउ। हां वी आर ओके नाउ, सो आई एम गोइंग टू टेक दिस एंड सी अगेन क्या हो रहा है। 300 आ गया, दो ऑसिलेशन, हां वन स्मॉलर दे दिया, अदर दो ऑसिलेशन आ गया उधर। हाँ सो दिस मीन्स व्हाट, नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आर्टरी लाइन इज नॉर्मल, समझ में आया, यू अंडरस्टैंड। हाँ तो टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व किया, ठीक हो गया वहाँ पर। हाँ नाउ वी ऑल्सो टॉक अबाउट द फैक्ट दैट इफ द ट्रांसड्यूसर इज चेंज इज पोजिशन, ठीक है ये हुआ ट्रांसड्यूसर हमारा। हाँ मैं ट्रांसड्यूसर का पोजिशन में चेंज कर देता हूँ, ठीक है मैं क्या कर रहा हूँ, ये प्रेशर अभी कितना है, अभी प्रेशर कितना है 179/103, ओके मैं अभी ये पेशेंट को मैं लैटरल पोजीशन दे रहा हूँ, लैटरल पोजीशन करोगे तो ये ट्रांसड्यूसर इधर आएगा, इधर आ जाएगा ना, लैटरल पोजीशन इधर आ जाएगा, लैटरल पोजीशन दे दिया। हाँ तो ट्रांसड्यूसर मैंने ले लिया और लैटरल में लेके आ गया, इधर लेके आ गया मैं लैटरल में, लैटरल आ गया इधर, पेशेंट इधर हो गया, ऐसे इतना हो गया। हाँ अब क्या होता है प्रेशर को, देखो क्या हो रहा है, देख रहे क्या हो रहा है, कम हो गया। हाँ तो अगर कम हो गया तो आपको आगे बताना नहीं है कि कम हो गया करके, ये कम क्यों हो गया, क्योंकि ये लैटरल में आ गया है। सिमिलरली अगर मैं पेशेंट का प्रेशर इसको नीचे कर दूँ, डाउन कर दूँ और नीचे कर दूँ, हाँ सब लेकिन नीचे कर दूँ, ठीक है एकदम नीचे कर, नीचे फंस गया तो क्या हो गया प्रेशर को, देखो 185 हो गया, समझ में आ रहा है। हाँ सो दैट इज व्हाई दिस हैज़ टू बी प्लेस्ड इन द फ्लेबोस्टैटिक एक्सिस, एंड व्हिच इज द फ्लेबोस्टैटिक एक्सिस, दिस इज द एक्चुअल फ्लेबोस्टैटिक एक्सिस, ये हमारा जो है ये फ्लेबोस्टैटिक इधर आता है, फ्लेबोस्टैटिक एक्सिस। हाँ सो फ्लेबोस्टैटिक एक्सिस we can place it right here, this is your phlebostatic axis, so don't place it up here, don't place it down here, that's with the phlebostatic axis. Yes. Samajh mein aa raha ha, understood or not? Yes sir. Ha understood how you can figure out a technical problem that you have. Yes. Ha and at the same time you can actually find the pulse pressure variation. Okay now let's go to the pulse pressure variation. Abhi हाँ तो सेम सिचुएशन आ गया। अभी सिचुएशन में क्या है, मेरे को जानने का है कि भाई ये पेशेंट का ये फॉर्म में डायक्रोनिक नॉच थोड़ा नीचे चला गया है, ये नीचे क्यों गया है, क्योंकि ये लाइन किधर है, टीमोरल है। मैंने क्या बताया था, रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव फॉर्म, याद है मैंने बताया था कि व्हेन यू गो टुवर्ड्स द फीमोरल एरिया व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दिस इज व्हाट इज अकरिंग ओवर हियर। लेकिन मेरे को ये जानने का है कि भाई ये हाइपोवोलेमिक है कि नहीं है। हाँ तो नाउ नो मोर, व्हाट यू आर सीइंग ओवर हियर इज द पल्स प्रेशर वेरिएशन हियर, कितना है ये 90, मतलब ये पॉसिबिलिटी हाइपोवोलेमिया हो सकता है। तो मैं क्या करूँ, मैं इधर आके पेशेंट को देखूँगा। हाँ जी दिखाओ मेरे को जी, नाम क्या है आपका, महेंद्र काठियाम पवार। रहने को कहाँ पर, महेंद्र काठियाम पवार। रहने को कहाँ पर है आप, महेंद्र काठियाम पवार। ऑल्टर सेंसर लेने, हाँ ऑल्टर सेंसर लेने। हाँ अभी मैं इसका हाथ लगा के देख रहा हूँ भाई कैसा है ये, हाथ लगाओ क्या लग रहा है आपको, ठंडा है। हाँ अब ऑल्टर सेंसोरियम तो आ ही है। हाँ और प्लस कैपिटल वीक लगा देखना है, देखने के लिए कैपिटल वीक अगर देखना होता तो कैपिटल वीक देख लेता था, लेकिन ही इज शोइंग दैट ही इज ऑल्टर सेंसोरियम, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ ड्राई टंग, द लिम्स आर कोल्ड, यू आर फाइंडिंग ब्लड प्रेशर टू बी ऑन द हायर साइड, सो देयर इज अ चांस दैट दिस पेशेंट इज hypovolemic, so I look at the urine output and see how dark it is. So there is a possibility that there is hypovolemia. Now I will do few more tests and probably give him fluids. समझ में आ रहा है? हाँ तो ये PPV से मुझे पता चलता है, अभी यहाँ का नर्स है उसको पता नहीं है कि ये देखना, समझ में आ रहा है, तो आगे बताई नहीं हमको, ठीक है, सो दैट इज आवर PPV इज ऑल अबाउट। इसका भी वेव फॉर्म बराबर है क्या, मेरे को जानने का है, तो मैं क्या करूँगा, फास्ट फ्लश सिंपल, अभी मैं फास्ट फ्लश करके देखूँ मैं एक बार। हाँ तो ये ऊपर क्या, ये मतलब इसका मतलब क्या हो गया, ऊपर करो कुछ नहीं हो रहा, मतलब क्या हो रहा है, मतलब क्या, अच्छा वो वाला है क्या, करो फास्ट फ्लश छोड़ो,
दो ऑसिलेशन आ गया, हाँ टू ऑसिलेशन, सो इट्स वर्किंग परफेक्टली, इट्स वर्किंग परफेक्टली, समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये प्रेशर उसका बराबर प्रेशर है, स्विंग दिख रहा है तुमको, दिख रहा है ना स्विंग, दिख रहा है स्विंग, ऊपर नीचे ऊपर नीचे आ रहा है, दैट इज वी आर गेटिंग पीपीवी ऑफ हायर, समझ में स्विंग दिख रहा है तुमको, नीचे गया फिर ऊपर गया फिर नीचे गया फिर ऊपर गया, दिख रहा है ना? हाँ, सो दैट स्विंग इज व्हाट यू आर सीइंग ओवर हियर इज पल्स प्रेशर वेरिएशन, समझ में? तो एक ही आउटलाइन से तुम्हारे पास कितना सारा इन्फॉर्मेशन आ गया, समझ में? दैट्स हाउ यू टेक ह्यूमन एनर्जी मॉनिटरिंग जस्ट फ्रॉम मटेरियल लाइन, ठीक है? ठीक।